हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको फ्रेश क्रीम बनाना बताऊंगी, सेम मार्केट जैसी घर पर कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूले, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। घर की मलाई से फ्रेश क्रीम कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगी। ये मैंने 3 दिन की मलाई जमा करके रखी है और ये जस्ट अभी मैंने मलाई निकाली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको घर की फ्रेश क्रीम से आइसक्रीम बनाना बताई थी और आपसे कहा था कि घर पर फ्रेश क्रीम कैसे बनाते हैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल रख देंगे, इसके ऊपर छलनी रख देंगे और जो मैंने अभी फ्रेश मलाई निकाली है वो इसमें डाल दूंगी। और जब आप मलाई निकालेंगे तो थोड़ा दूध उसमें आना चाहिए। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह हिलाते हुए क्रीम निकालेंगे। आप ज़ोर से ना करें नहीं तो मक्खन बन जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें इसे करना है। और ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपकी फ्रेश क्रीम बन जाती है, ये देख सकते हैं आप। अब बाकी की मलाई भी मैं इसमें आधी डाल देती हूँ, आधी बाद में डालूँगी। इस तरह ही आप इसे हल्के हाथों से हिलाते हुए मलाई इसकी क्रीम निकालें। मिनटों में आप घर की मलाई से फ्रेश क्रीम बना सकते हैं। अब इसमें मैं बाकी की मलाई भी डाल देती हूँ और आपने देखा इसमें दूध है, क्योंकि जब आप मलाई निकालते हैं उसमें थोड़ा दूध रहना चाहिए। इसी तरह आप मलाई को हल्के हाथों से हिलाते हुए फ्रेश क्रीम निकाल लीजिए। इस तरह से आप हिलाते हुए सारी मलाई से क्रीम निकाल लीजिए। ये देखिए, मिनटों में ही आपकी फ्रेश क्रीम घर पर बन गई है और सेम मार्केट जैसी बनी है। कितनी गाढ़ी है, कितनी थिक है। इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसे आप फ्रिज में 4-5 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इससे आप कोई भी डिज़र्ट बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, मलाई कोफ्ता भी बना सकते हैं। आप किसी चीज़ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, आपने खुद घर पर बनाई है। अब मैं आपको इस बॉल में निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए, वाओ, कितनी थिक है, सेम मार्केट जैसी आप बोल नहीं सकते। ये आपने घर पर बनाई है, इससे आप कुछ भी बनाइए, आइसक्रीम भी बना सकते जो मैंने आपको रेसिपी शेयर की थी, मलाई कोफ्ता बनाइए या और भी कुछ आप बना सकते हैं। इससे आप व्हिपिंग क्रीम भी बना सकते हैं और केक के ऊपर आइसिंग भी कर सकते हैं। ये 2 मिनट के अंदर बन जाती है, ये बहुत टेस्टी बनती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।